start. गुड मॉर्निंग गाइस, आ गया आपको सुबह नजारे दिखाते हैं। व्हेन यू वेक अप सीन्स लाइक दिस, वेलकम टू रमन चार ब्लॉग्स गाइस। ये हो गई है मनाली में सुबह। टेम्परेचर है लगभग, अभी सुबह 7 बजे देखा था तब -7 डिग्री ही था। अभी भी टेम्परेचर, अभी कितनी बढ़िया धूप निकल गई है और सर्दी है बिल्कुल बर्फ। ये देखो, रात को तो शायद बर्फ नहीं पड़ी वरना ये भी कुछ सब कुछ वाइट हो जाता, लेकिन कितनी मस्त धूप वगैरह निकल गई है। ये नज़ारे देखो हमारे होटल से। बाकी यार आज जा रहे हैं हम अटल टनल के पास। ऑमलेट तैयार करते हुए भाई मनीष भाई ने एक नंबर की ऑमलेट बना दिया। देखने में तो जबरदस्त लग रही है, खाने में पता चलेगा खाने के बाद। और शिव, हाउ आर यू बड़े? गुड मॉर्निंग। सूर्य नमस्कार। जय श्री राम। बोल। तो गाइस आज का सफर हमने कर दिया है शुरू। सुबह के बज चुके हैं 11 और हम बढ़ लिए हैं अटल टनल की तरफ। आज से ही अटल टनल खुली है तो देखो सही हमारा सूट बैठ जाएगा मस्त फुल सिस्टम। नजारे भी देख लो गैल की गैल भाइयों। कर दी भाई, हम पहुंच चुके हैं सलोंग वैली। सलोंग वैली हमारे लेफ्ट में है, लेकिन सलोंग वैली पे अभी हम रुक नहीं रहे क्योंकि हम अटल टनल फिर 2 बजे के बाद बंद हो जाएगी, तो फिर पहले अटल टनल जा रहे हैं। बाकी चेतन यार दिखा इनको सलोंग वैली, दिखा गाइस को। आइए, गुब्बारे में लोग घूमते हैं गुरुड़ते हुए आते हैं, ऊपर से देख रहे हो ना, वहां से सीधा क्या कहते हैं यार, पैराग्लाइडिंग भी। और एक चीज गाइस, नजारे देखो भाई, सनरूफ में से निकल के अब चेतन गाड़ी चला रहा है और यहाँ अपने नज़ारे देखो भाई, बिल्कुल अंत लेवल का मजा आ गया है। और भाई फोटोग्राफी आकाश ने, चेतन ने इतनी जबरदस्त फोटोग्राफी करी है भाई, बिल्कुल मजा आ गया मस्त। देखो नज़ारे देखो, ये पहाड़, ये रास्ते, मेरा दिल कहीं पहाड़ों में गुम है। और ये भाई थारा भाई मन्ने भी देख लो। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। ये भाई अपने फॉर्चुनर वाले भाई हैं, ये भी मिल गए, बढ़िया जानकारी होगी इनकी, गल्ला बढ़िया दोस्ती होगी इनके साथ भी, साथ साथ चल रहे हैं। और आकाश भाई, ये भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं और हम इनकी वीडियो बना रहे हैं, अंत लेवल के सीन चल रहे हैं भाई, चारा ऑन टॉप, जाट जाट भाई भाई। गाड़ी पीछे गाड़ी रखे से नजारे देखो भाई, ये नजारे हैं, कितने जबरदस्त नजारे हैं भाई, सिस्टम वाले नाले नजारे हैं। अटल टनल आ गई है भाई, अटल टनल के नजारे आपको दिखाते हैं भाई, जबरदस्त मजा, बहुत मजा आ गया अंत लेवल के। ये भाई यहाँ पे सिलेंडर लेके रखा था हम लोगों ने, वो लोग बोल रहे हैं कि सिलेंडर को आप अंदर नहीं लेके जा सकते, उसके लिए रुके हुए हैं भाई, अभी सिलेंडर का सीन करवा रहे हैं शॉर्ट।
अटल टनल के अंदर घुस चुके हैं भाई। यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 है, यहाँ पे नहीं ब्रेक अलाउड है ना ही 41 की स्पीड में मेंटेन करके करनी चलती होती है। चलन दे भाई चेतन, अलग सी शांति सी मिल रही है यार यहाँ पे आके, क्योंकि बाहर बर्फ बर्फ इतनी हो गई थी, गर्मी सी भी हो रखी थी, अब अंदर बैठे हैं शांति से, मस्त मजा आ रहा है। रोकते हैं, एक बारी जब खत्म होने वाली होगी तो आपको बाहर का सीन दिखाते हैं जबरदस्त। यार चेतन भाई आते रहते हैं यहाँ पे, रोहता पास वगैरह हर जगह आए हुए हैं चेतन, तो यहाँ पे चेतन भाई से अटल टनल के बारे में पूछते हैं। कितनी बड़ी है भाई ये? लगभग 9 किलोमीटर की आ रही है ना। अच्छा, मतलब काफी डिस्टेंस कम कर दिया। पहले जैसे किसी ने इस पहले लद्दाख वाले हाईवे पे जाना करता तो रोहतांग पास होकर जाना पड़ा करता। अच्छा, अब वो सारा बच गया ऐसे सीधा बार मारे। लगभग कितने किलोमीटर का? लगभग 100 के आसपास तो हो गई शायद। ये देख लो भाई, 100 किलोमीटर का सफर, बाकी पूरा ना पता मेरे को भी कितना है। 100 लगभग 100 लगा लो आप भी, 100 किलोमीटर का सफर टाइम ये कम कर देती है। और उससे फिर पता है यार क्या होता है, कई बार जाम वाम मिल जाए, क्योंकि रोहतांग में बर्फ वगैरह इतनी हैवी हो जाती है कि वहां पे गाड़ी, ये समझ लो 100 किलोमीटर है ना, तो 10-12 घंटे भी लग सकते हैं, इतना टाइम ये कम करवा देती है भाई। मस्त है भाई सीन। ये देखो गाइस, अटल टनल पार करके बिल्कुल निकले ही है, और यहाँ पे नदी देखो बर्फ से बिल्कुल जमी हुई है। आगे से आपको दिखाते हैं सामने कितनी गाड़ियां खड़ी हुई, हम भी यहीं पे लगाते हैं। यहाँ तो रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो बहुत बिना रुके क्या करेंगे। हाँ यार क्या सही कह रहा है, यहाँ पे नहीं रुकने वाले तो भाई, मतलब नहीं रुकने वाले भाई। स्कॉर्पियो वैन जिस काम के लिए ली थी, आज उस काम के लिए वो पहुंच चुकी है बर्फ में मस्त। अब तक तो बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, गाड़ी पूरा साथ दे रही है हमारा। मास्टर नजारे देखो भाई, थोड़ा प्रेशर कम करेंगे टायरों का आगे। ठीक है, ठीक है बॉस, आपके बॉस। अभी आपकी बिजली के बारे में पूछा ही होता है। देखो भाई यार रोक लिए, अड़े मस्त हुक्का पीवेंगे, हुक्का पानी सारी चीजों का जुगाड़ करेंगे भाई। अड़े नजारे देखो भाई, और आकाश कैसा लग रहा है तेरे को? रुक जा मजा आ रहा है भाई, तू बता भाई। मस्त मजा आ रहा है। ये अपनी दोनों गाड़ियां खड़ी है, एक कंपनी मिल गई बढ़िया सी, और कंपनी ऊपर जाट मिल जाए कोई, जाट मिल जाए कोई, कैडे मजा आ रहा है। नजारे देख, जाड़े कर रही है यार, तू नजारे दिखा दे भाई ने, मत दिखाइए भाई ने दिखा भाई, कैसा लग रहा है बता चेतन भाई। रुक, अब बता के जब देखा जा रहा है कैसा लग रहा है भाई। भाई ऊपर वो लोग खड़े हैं, हम यहाँ भी पहुंच गए नदी के पास बिल्कुल। आकाश अपना ब्लॉग बनाता हुआ बिल्कुल नीचे चलते हैं नदी के किनारे। ये देखो नदी के नजारे देखो यार, क्या खूबसूरत नजारे हैं। देख लो भाई, पोल सिस्टम, सारे डांस सिस्टम पार दिया कभी। ओ बेटे भूख दे आगे। एक चीज दिखाते हैं भाई आपने, ये देखो यारे तो पानी पड़ रहा था, टेम्परेचर इतना हो रहा है, जम का कती बर्फ हो गई है, -8 डिग्री हो रहा है। -8। अच्छा। या देख इन पे बर्फ जम ली, टायर पड़ते पड़ते पानी टपका था। वेदर में दिखेगा, वेदर में देख लो या फिर क्या है, मैं देख ले कैसे उठेगी। दोनों भाई दोनों गाड़ियां में मामला अपना ठा के धर लिया है, दोनों गाड़ियां हम पंजा दबा कर लकड़ते हैं। एक दिखाता हुआ आपने, ये देखो गर्मियों में इसका नजारा दिखाऊंगा, सर्दियों में ये नजारा देखो, सेम एग्जैक्ट सीन गर्मियों के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैसा होता है। ये देखो गर्मियों का सीन है, ये सेम एग्जैक्ट, और यहाँ पे देखो ये सर्दियों में, गर्मियों में ये ऐसा होता है। ये चेक करा शायद इसने उसको थार वाले। लाहौल में पहुंच चुके हैं भाई, अंत सीन है। अच्छा चेकिंग वाले आ रखे हैं, चेकिंग करवा ले हैं भाई। और
देखो यार सीन देखो, नजारे कितने जबरदस्त कती आर पार। बिल्कुल भाई मजे आ रहे हैं जबरदस्त वाले। और रोड भी भाई ऐसे रोड बना रखे हैं जैसे मक्खन है रोड पे। देखो आपको पहाड़ों के साइड में और कच्चे पहाड़ हैं इस तरफ, लेकिन फिर भी कहीं पे आपको मिट्टी भी नहीं दिख रही। ऑल थैंक्स टू गडकरी। ये देखो यार बीच में से ही रोड साफ करते हुए जा रहे हैं। ये देखो भाई सिस्टम तो भाई पूरा जबरदस्त कर रखा है। साइड में से नदी के भी नजारे देख लो यार। ये वाला पहाड़ देखो भाई बिल्कुल ऐसे लग रखा है जैसे डिजाइन कर रखा है, बिल्कुल जैसे फरस सा काट रखा है। व्यू देखो, अब देखो व्यू जबरदस्त है से। वो एक तरफ इतनी बर्फ पड़ी यार और इस तरफ बर्फ ही ना, ऐसा क्यों चेतन? पता ना भाई। Any valid reasons, bro? मैं तो भाई बर्फ गिर के ना आया। अच्छा सही कह रहा है। देख लो भाई तो फिर पत्थर के पहाड़ वर्सेस मिट्टी का पहाड़। नो बर्फ विद बर्फ। हाँ नो बर्फ विद बर्फ। नो सिस्टम एंग फुल सिस्टम एंग। इसका भाई वहाँ पे मतलब पत्थर पे, हाँ पत्थर पे वो नहीं हो पाता, लेकिन मिट्टी में जैसे धूप आता ही मिट्टी पूरी गर्मी ने पानी ने सोख ले जा। शक्ल दिखाया कर। भाई हम पहुंच गए हैं किलोंग। किलोंग में पीछे का देखो यार बर्फ बर्फ कितनी बढ़िया मस्त पड़ी हुई है। हाँ बोल। लोग कहते हैं पहाड़ के रास्ते बेकार है, कितना मस्त नहीं है ये तो भाई। ऐसे बना रखे थे बिल्कुल जैसे मतलब मक्खन। नजफगढ़ से अच्छे रास्ते नहीं है आगे? नजफगढ़ से तो बहुत बढ़िया। वहाँ भाई गाड़ी फुल करवा रहे हैं, पेट्रोल वगैरह फुल करवा लेते हैं। ऐसे पेट्रोल पड़ा हुआ है अभी, एक वैगनार आ रही है अपने पीछे हट ले। ये देखो बैक कैमरे से सूरज बर्फ पहाड़ बिना बर्फ के पहाड़ मनीष आकाश मारी गाड़ी। और ब्लॉगर है यो मंदिर है भाई इनका ब्लॉगर है वो दोनों है। मैं नया उभरा हुआ ब्लॉगर हूँ, वो एक्सपीरियंस्ड ब्लॉगर है। मैगी वैगी का जुगाड़ कर रहे हैं भाई, नजारे में एक नंबर के मजे आ जाऊंगे। याड़े किसी की छात है रोड के किनारे, इस पे बैठ कर अपने मैगी और हुक्का। और यो सूरज देख लो भाई इतनी चिल्ड चाल रही है भाई, कती चाला पट रहा है। पीछा अपने ताऊ ने देख लो भाई, ताऊ कती कंबल में लपट रहा है। आकाश में देख लो, हाँ याड़े हवा ज्यादा है बल्कि ले भाई ताऊ का बैठने का जुगाड़ करते हैं। अरे कांग्रेस का यो है इन्हें पाड़ दे हैं, लाते इन्ने रखा है तगड़ा। ले पाड़िए ना ये मैं के दे देना कांग्रेस की ना। बैठ जा तब आराम तो तब बढ़िया मस्त। रोक दे पूरा प्रोग्राम बन गया आगे। मसाले भी ले रहे हम तो बेरा पाट जाए दो तीन बार लेने फिर बेरा पाट जाए मानस ने। दूध भी वो आला जो 15 दिन थी टेट्रा पैक आला ठाले ₹10 में पानी पानी दे दे दूध ₹30 में गेंद मारे मैं। अरे उसमें वो ना देते दूध तो गिरते है ना। अरे हम तो दूध दूध बना पानी निकलना पड़ेगा ये जितने भी भाई रुखे सूखे पेड़ देखो ना, ये सारे के सारे सेब के पेड़ है।
और सितंबर में ये कतिलदे खड़े रहे हैं, इन्हें तोड़ के ले जा सके चेतन, इन्हें तोड़ के लेकर जा सके, ओए नू बता, इन्हें तोड़ के लेकर जा सके सेबा ने सितंबर में यही पड़ जाए टूटे हुए मिल जाएंगे, अच्छा पड़े हुए मिल जाएंगे भाई। पाऊ के सेब खतरे में शेबू भाई थैंक यू। ओका मैगी पहाड़ एक नंबर का जी सार है, काचे कट रहे हैं कती काचे, मजा आ रहा मजे एकदम। और रमन सिस्टम मजा आ रहा है बेटे मिथुन टेम्परेचर देख लो भाई -9 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और हमने कर दिया है शिशु में कमरा बुक। कितने में पेरा ना वो वहीं जाके देखेंगे जो भी है जितने में भी है। लोकेशन वगैरह सब काफी जबरदस्त लग रही थी। यहाँ पर अपने भाई चाय बनवाने जा रहे हैं फॉर्चुनर आले HR77C1111। ये चाय स्पॉन्सर्ड बाय फॉर्चुनर वालाज। तो यार हम सोच रहे थे यहाँ पे शिशु में रुकने की, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि कल शिशु में 11 बजे से बर्फ बता रखी है। प्राइस हाई की दिक्कत नहीं है यार, एक दिन के लिए ले प्राइस भी देखी था यार, वही बात है ना, चल एक बार भाई फंस जाते हैं ना फिर तो ऐसी तैसी कर देते हैं, अटल टनल नहीं खुलेगी जाएंगे। चेतन भाई बता रहे थे कि इनके दोस्त आए थे वो फंस गए थे, फिर इतना प्राइस कर दिया, 300 रुपए की रोटी मिल रही थी भाई, अब 300 रुपए की रोटी की कुछ तो खाना ही पड़ेगा। 500 रुपए में वाईफाई देता था सिर्फ 1 मिनट के लिए। ओहो 500 रुपए में 1 मिनट के लिए वाईफाई। अगर घर बात करनी है घर। नमस्कार साथियों, पेश करते हैं आपको हर किसी का व्यक्तिगत सुझाव कि उन्हें आज का दिन कैसा लगा। शुरुआत करते हैं चेतन जी से। चेतन जी आज आपका दिन कैसा था बोलिए। ठीक है मैं डर गया हूँ। नहीं नहीं बोलिए बोलिए। मौका देगा जा बड़े पे। नो नो डरो मत आप, डर क्यों रहे हो भाई? हम क्यों डरेंगे? या बोलिए बोलिए भाई। एक नंबर का दिन रहा, मस्त मस्त है, कांचे कट गए, वीडियो वीडियो रील कैसी बनी आपकी? वीडियो रील ज्यादा एक नंबर, फोटो सारी बढ़िया। ओके ओके। अगले हैं आकाश चहार साहब। भाई मेरा तो कुल्फी सारा पूरा दिन। कुल्फी सा? कौन सी कुल्फी? आपकी कुल्फी जम गई यार। कुल जम गई भाई ठंडी के मारे। अभी हालत देख दो एक बार, कैसे बैठे हम पीछे तीनों। फ्लेवर फ्लेवर तो यार हमें कैसे पता होगा। हां मॉर्निंग में आकाश जी आप बोल रहे हो। एक मिनट भाई, क्वेश्चन सुन। अरे रिपोर्टर का क्वेश्चन सुनने दे। संजीव रिपोर्टर साहब बोलिए क्या बोला सुनाई दिया तुमने? आई नो क्वेश्चन नाउ मनीष भाई। मजा आ गया और सबसे बढ़िया था डांस नहर के साइड में। स्वाद आ गया भाई, कसम से स्वाद आ गया बिल्कुल भाई साहब। ओसम एकदम जिसे कहते हैं, यहाँ पे जन्नत का नजारा आएगा। आओ कभी भी ठीक है, लेकिन आपने सब ऐसे लगेज लेके आता। जन्नत ये कश्मीर में है? है नहीं, यहाँ पे भी एक नए तरीके की जन्नत है ना। अच्छा मैंने सुना जन्नत मनाला में है, मलाना में है। मलाना मलाना में भी जन्नत है चेतन जी। वहाँ पे ऐश हमारे हालत खराब है तभी कुल्फी जरूरी है। कुल्फी जरूरी है भाई, बिल्कुल जरूरी है कुल्फी। गाइस कुल्फी खा लो, ट्राई कर ले। अरे एक को चेतन कुल्फी भाई जी आपकी कुल्फी भाई। अपना जुगाड़ हो गया है, ये हमारा कमरा है, ये दो सिंगल बेड है यहाँ पे और ये तीन लोंडे। क्या क्या है? चिमनी है भाई, चिमनी बढ़िया है, टीवी है, फ्रिज है, टीवी है, एक ये इस तरह में डबल बेड है
और डबल बेड के बाद भाई ये डिजाइन है शीशा है भाई, अलमारी है, कंबल है, एक्स्ट्रा कंबल है भाई, ये बाथरूम है भाई। बाहर भी देखा ना, बाहर बाहर तो देखा ही तूने? क्या बाहर क्या है दिखा? बर्फ है बाहर, झूला तो ऐसे अच्छा है, उससे तो बहुत अच्छा लगा मुझे, उसमें कुछ नहीं था बाहर, वो चिप चिप में था, धूप नहीं लगा, बैठने का है यहाँ, बैठने का है वहाँ, देख ओके फोटो वगैरह के लिए बढ़िया इसी चीज के साथ भाई आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। डे टू हो गया हमारा कंप्लीट, सी यू नेक्स्ट टाइम।